नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2023 के लिए जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेलगाड़ी यानी ट्रेन। ट्रेन से एक प्रश्न पूछा जाता है और ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि जब तक बिहार पुलिस में आप स्मार्ट तरीका से नहीं पढ़िएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैथ का 10 ही प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें आपके सामने 35 से 40 चैप्टर है। तो जब तक आप स्मार्ट तरीका से नहीं पढ़िएगा 10 में आपका 8 से 9 नंबर नहीं आएगा। हमने आपको टॉपिक वाइज पढ़ा चुके हैं, लगभग मेरा मैथ कंप्लीट हो चुका है, पिछला सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, 1 से 2 क्लास और लेंगे और जीके जीएस उसी स्मार्ट तरीका से पढ़ाएंगे जिस तरह से आपके सामने मैथ पढ़ाएं। और देखिए जीके जीएस आपका 65 से 70 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 प्रश्न में हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, मैथ भी रहेगा। इसको भी ध्यान रखना है, केवल जीके जीएस पर ही ज़्यादा फोकस नहीं कर देना है। जब तक यहाँ पर भी ध्यान नहीं दीजिएगा मैथ हिंदी इंग्लिश पर तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। और हम जो मैथ पढ़ाए हैं आपका 7 से 8 या 9 नंबर 100% है कि कन्फर्म हो चुका होगा और ये 10th लेवल का बेसिक मैथ है, यहीं से पूछा जाएगा जब आप क्वेश्चन बनाने चलेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं ट्रेन यानी रेलगाड़ी की तरफ और एकदम आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको टॉपिक वाइज यहाँ से पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आपका जीके जीएस चालू होने जा रहा है इसी टाइम पर शाम को 6:30 बजे सबसे अलग अंदाज में। देखिए रेलगाड़ी यानी ट्रेन, इसमें से आपका पूछा जाता है दूरी निकालने का, कभी पूछेगा चाल निकालने का, कभी पूछेगा समय निकालने का। इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में डिस्टेंस बोलेंगे, चाल को स्पीड बोला जाएगा, समय को टाइम बोला जाएगा। कभी क्या बोलेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए पूछेगा, कभी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा। एकदम ऐसा जुगाड़ आपको बता देते हैं कि जीवन में कभी भी इस टाइप का आपके सामने दिखाई दे तो नहीं भूलिएगा। लेकिन आप बहुत बार पढ़े होंगे किलोमीटर से मीटर प्रति घंटा बनाने में बार बार आप भूल जाते होंगे, मीटर से किलोमीटर बनाने में बार बार भूल जाते, लेकिन आज के बाद आप नहीं भूलिएगा। पहला है कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। जब आप इस एक फॉर्मूला को याद कर लिए कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो इसके बाद सभी फॉर्मूला अपने आप निकलते चले जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा समय क्यों हो जाएगा, जब चाल इधर चाल यहाँ रहेगा तो समय आकर इधर भाग दे देगा, यानी चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। ठीक, अब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक समझ गए कि दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हो गया। दूरी आपका कभी भी होगा तो मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, चाल कभी भी होगा तो मीटर प्रति सेकंड होगा या किलोमीटर प्रति घंटा होगा। किलोमीटर पी क्या मतलब हो गया, प्रति एस क्या मतलब हो गया आवर यानी घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा इसको पढ़ा जाता है। एमपीएस का अर्थ हो गया मीटर प्रति सेकंड इसको पढ़ा जाता है। समय जब भी आपका दिया होगा या तो सेकंड में दिया होगा, या तो मिनट में दिया होगा, या तो घंटा में दिया होगा, यानी समय ये हो गया, चाल ये हो गया, दूरी ये हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें बार बार आप भूलते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने में, जब भी बारका से छोटका के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, किससे, बारका से छोटका में आएंगे, यानी किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है, तो बड़ा से छोटा में आने के लिए छोटका यानी 5/18 से गुना कर देंगे और छोटका से बारका के तरफ जाने में बारका से गुना कर देंगे, यही तो होता है। आप लोग जान रहे हैं कि 5/18 से गुना करना है, लेकिन भूल क्या जाते हैं
कि किस में करना है, कहीं पर 5/18, कहीं पर 18/5। तो जब बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटका से गुना, जब छोटका से बड़का में जाना है तो बड़का में गुना, यानी किलोमीटर से मीटर में आना है तो 5/18, और मीटर से किलोमीटर में आना है तो 18/5। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। जिस टीचर का कंसेप्ट क्लियर होता है उसका क्वेश्चन भी क्लियर होता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन के तरफ। अगर समझ में आ रहा है तो लव यू दम लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि किसी ट्रेन की चाल 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। आप लोग भी जब ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो सोचते होंगे कि मान लीजिए ट्रेन का चाल 92.4 किलोमीटर के स्पीड में चल रही है, हम अपने घर 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो यहाँ दूरी बराबर आपको बता चुके हैं, क्या बताए हैं मेरे भाई, बोलते चलिए, दूरी बराबर चाल गुने समय। क्या बताए हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल मेरा कितना दिया है, 92.4 गुने समय कितना दिया है, 20 मिनट दिया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ये घंटा है तो 20 मिनट को भी आपको घंटा में बनाना होगा, तो मिनट को घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है। एक राशि में जरूर करना है, अगर ये घंटा है तो इसको भी घंटा में बना लीजिए, अगर ये सेकंड है तो इसको भी सेकंड में बना लीजिए। तो हम देखेंगे कि ये घंटा है तो इस 20 को भी घंटा में बना लिए। जब 20 से इसमें भाग दीजिएगा तो 20 3 60, 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 3 3 9 पॉइंट दे दीजिए, 0.2 होते हो, 3 8 24, 3.8 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 20 मिनट में 3.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लिखा है किसी ट्रेन की चाल 92.4 किलोमीटर है तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 30.8 होगा, 30.8 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, जब इसमें भाग दीजिएगा 3 से तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी है कोई, किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है। मान लीजिए जब आप ट्रेन से पार कर रहे हैं तो कोई टावर या कोई खंभा दिखाई देता है, तो ट्रेन उस खंभे को कितने सेकेंड में पार कर रही है, 10 सेकेंड में पार कर रही है। तो ट्रेन किसको पार कर रही है, अपने आप को 10 सेकेंड में पार कर रही है, यानी अपनी लंबाई को कितने देर में पार कर रही है, 10 सेकेंड में पार कर रही है। तो पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगा, लंबाई का अर्थ हो गया कि दूरी, दूरी तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर हम बता चुके हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल आपका दिया है कितना दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 10 सेकेंड। यहाँ पर देखिए ये आपका घंटा है, यहाँ पर सेकेंड है, तो यहाँ पर बताया है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है तो क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। क्या बताया है कि बड़का से छोटका के तरफ आने के लिए 5/18, छोटका से बड़का की तरफ जाने के लिए 18/5, तो यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। अब यहाँ से काट दीजिए, 9 2 18, 9 5 45, ये काटिएगा तो 2 5 10, 50 25 25 25 125, 125 मीटर आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है, यानी ट्रेन किसी खंभा को पार करे, आपको पार करे, किसी टावर को पार करे, यानी ट्रेन अपने आप को पार करती है। ये था ट्रेन वाला कंसेप्ट। इस पर 2 से 3 क्वेश्चन और बताने वाले हैं जिस टाइप का आपसे पूछा जाता है। एक बार जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और क्लास समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना है, और इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि बहुत जल्द जीके जीएस का एकदम तूफान सीरीज लाने जा रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से समझिए,
ट्रेन से संबंधित जितने टाइप का प्रश्न पूछा जाता है मैक्सिमम उतना हम बता देते हैं, और ज़्यादा आपको हाई लेवल में नहीं जाना है। आपको 10 में 7 से 8 नंबर मैथ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि बिहार पुलिस में आप 90 नंबर लाकर नीतीश कुमार का बॉडीगार्ड बनने जा रहे हैं। जो जितना 60 नंबर 65 नंबर वाला का वैल्यू है उतना ही 80 वाला का है, उतना ही 90 नंबर वाला का है। अगर आप मैथ में 10 के 10 में पूरे के चक्कर में लग गए तो दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप मैथ का सिलेबस समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। आपको कोशिश हम ये करा रहे हैं कि 7 से 8 नंबर हर हाल में 10 में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 380 और 160 मीटर लंबी, 380 और 160 मीटर, ये दो बार हो गया है, 380 और 160 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कितने सेकेंड में पार करेगी। दो ठो ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, एक ट्रेन इस साइड से आ रही है। ये दोनों ट्रेन जब देखिएगा एक दूसरे को पार करती है तो एक ट्रेनवा का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा ट्रेनवा का चाल कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दोनों ट्रेनवा एक दूसरे को पार करेगी तो पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हम बता चुके हैं, क्या बताए हैं मेरे भाई, समय बराबर क्या बताए हैं, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को विपरीत पार करेगी तो यानी ट्रेन बहुत लंबा दिखाई देगी, इसलिए क्या करना है, दोनों के दूरी को जोड़ देना है 380 प्लस 160 बटा, समय बराबर क्या बताए हैं, दूरी हो गया बटा चाल, दोनों के चाल को जोड़ देना है, एक का 20 है एक का 16 है, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर है तो इसको भी हमको मीटर बनाना है, तो आगे चल के हम बनाएंगे, 0 हो गया 8 6 14 के 4 हर सीन 1 3 1 4 1 5 बटा, इसको हो जाएगा 16 20 और 16 36। लेकिन ये 36 मेरा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड यानी बड़का से छोटका के तरफ आने के लिए 5/18 से इसमें गुना कर देंगे, कितना से 5/18, तो 18 2 36 5 2 10 10 से 0 कट गया, यानी कि आपका 54 सेकेंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर जाएगी। अगर यही क्वेश्चन में लिख दे कि समान दिशा में चलती है यानी एक ही दिशा में चल रही है तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, इसी टाइप का तो थोड़ा सा घुमा कर पूछता है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी विपरीत का है तो दोनों को जोड़ देना है, अगर समान का है तो दोनों को घटा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो हम बताए हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या बताए हैं, दूरी बटा समय। दूरी कितना है मेरा, 200 मीटर है। समय कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया है। 0 से आप 0 काट दीजिए यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर होगा, क्या होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर यही चाल आपसे पूछ दें किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा तो 20 को 20 लिख देना है, उसके बाद बताए हैं कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5, तो 5 4 20 यानी 8 4 72 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर मीटर में पूछे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, अगर किलोमीटर में पूछे तो 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हम समझ चुके होंगे कि रेलगाड़ी से संबंधित आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर आप दम मीडियम क्लास के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। किताब में बहुत हाई लेवल का दिया, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। शुरुआती 8 से 10 क्वेश्चन जो बुक में दिया रहता है उसको बना लीजिए, बिहार पुलिस में आपका काम हो जाएगा। ये था रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हम बहुत जल्द 1 से 2 क्लास और मैथ का ले गए, उसके बाद दम शाम में आपके लिए GK GS और सुबह में बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि हिंदी सबको मिलाकर चला जाएगा, तब आपका स्कोर 70 प्लस होगा। केवल GK GS पढ़ने से नहीं होने वाला है, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने का तरीका स्मार्ट रखना होगा तब आपका स्कोर होगा। आज के वीडियो के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।